खबर राजस्थान में विधायक दल की बैठक से जुड़ी है और विधायक दल की बैठक से पहले इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जयपुर बुलाया गया है। कैलाश चौधरी की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। मेरे सहयोगी ध्वज आर्या इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, क्या खबर इस बारे में, क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले ये जो खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जयपुर बुलाने को लेकर, क्या अपडेट इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में जिस तरीके की जो सीएम की रेस के लिए जो बैठक होने वाली है 4 बजे, उससे पहले कई घटनाक्रम हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा नाम है कैलाश चौधरी का, जिन्हें जो है जयपुर आने के लिए बोला गया है और जयपुर वो 3 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अचानक से उनके घर की जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ में एक जो बड़ा नाम है सतीश पूनिया, जो कि आमेर से जो है इलेक्शन लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन उन्हें भी जो है कहा गया है कि वो तुरंत ही जो है भाजपा कार्यालय पहुँचे। तो उनको बुलाना और उसके साथ साथ में कैलाश चौधरी को बुलाना, ये एक तरह से एक इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में जो सीएम की रेस है उसको लेकर जिस तरीके से राजनाथ सिंह आए हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह की गाड़ी खड़ी है, वो यहाँ पहुँच चुके हैं जयपुर में। उनके साथ साथ में दोनों पर्यवेक्षक भी आए हैं, जो कि विनोद तावड़े और सरोज पांडे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ में जो मीटिंग चल रही है वसुंधरा राजे और सीपी जोशी, ये दोनों उनके साथ में हैं और ये जो मीटिंग चल रही है इस मीटिंग के कई मायने निकल सकते हैं। चूँकि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया था वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी और तमाम जो एमएलए थे उनसे मुलाकात कर रही थी, आलाकमान को संदेश देना चाहती थी कि 2 बार की सीएम है वो, और अगर राजस्थान में जिस तरीके से जो नए सीएम का नाम की अगर घोषणा की जाए वसुंधरा राजे का नाम को ध्यान में रखा जाए। लेकिन इस बीच आपने सबसे पहले अभी बताया कैलाश चौधरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें जयपुर बुलाया गया है।